हे गाइस, तो आज हमारे पास है तांबा, चांदी और सोना। इनको हम ढालेंगे नाइट्रिक एसिड में, जो कि हमारे पास है नाइट्रिक एसिड है। इसके अंदर हम इसको ढालेंगे तीनों को ही वन बाय वन, और आपको रिएक्शन दिखाएंगे क्या होता है जब हम तांबे के अंदर नाइट्रिक एसिड डालते हैं, और क्या होता है जब हम चांदी के अंदर नाइट्रिक एसिड डालते हैं, और क्या होता है जब हम सोने के अंदर नाइट्रिक एसिड डालते हैं। तो ये देख सकते हो कि आप, ये है तांबा, यहाँ पे आपको मैं दिखा रहा हूँ ये तांबा। इस तांबे को डालते हैं हम इस कंटेनर के अंदर, इस कंटेनर में डाल दिया। अब ये है हमारे पास नाइट्रिक एसिड, तो इस नाइट्रिक एसिड को इसमें डालते हैं, तो इसको नाइट्रिक एसिड को इसमें डालते हैं और फिर देखते हैं क्या रिएक्शन होती है इसके अंदर। ये हमने डाल दिया है इसमें नाइट्रिक एसिड, थोड़ा सा और डाल देते हैं नाइट्रिक एसिड, और अब इसको हम यहाँ पे आपके सामने मिक्स करते हैं। यहाँ पे आपको नीचे दिख रहा होगा, नीचे को ऊपर आपको छाप दिख रहा है, जो कि धीरे धीरे इसमें आपको कलर चेंज होने लग रहा होगा। यहाँ पर कलर चेंज हो रहा है कॉपर का, तो इसको कंटिन्यूसली हम मिलाते जाते हैं। ये देखो, ये रहा यहाँ पे कॉपर। अभी इसके अंदर धीरे धीरे यहाँ पे रिएक्शन देखने को मिल रही होगी, आपका रिएक्शन हो रही है, यहाँ पे कलर हट रहा है, ग्रीन कलर आपको हल्का हल्का निकलता हुआ दिख रहा है। तो अभी ये कंटिन्यूसली इसके अंदर यहाँ पे निकलता जाएगा, और देखते हैं क्या होता है इस तांबे के छोटे से चद्दर का, कि क्या ये रह पाता है, इसको सर्वाइव कर पाता है या नहीं। दोस्तों, अगर आपको मैं यहाँ पे दिखाऊं, तो यहाँ पे आपको इसके अंदर ग्रीन कलर का धुआं निकलता हुआ दिख रहा होगा। अभी आपको यहाँ से ऊपर तो नहीं दिखेगा, लेकिन यहाँ पे आपको पूरा ग्रीन ग्रीन दिख रहा है, तो ग्रीन कलर का धुआं निकल रहा है। और ये ग्रीन कलर का धुआं जो है, ये निकलता है हमेशा तांबे के अंदर। जब भी अगर हम तांबे के अंदर नाइट्रिक एसिड को डालेंगे, तो यहाँ पे हमारे ग्रीन कलर का धुआं ही देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे तो ये कंटिन्यूसली इस पर रिएक्शन हमारे को देखने को मिल रही है, ये ग्रीन कलर, यहाँ पे ग्रीन धुआं निकलता जा रहा है। तो इसको तो इस बाउल में डाल देते हैं, और फिर हम चांदी को भी डालते हैं, ताकि चांदी का भी पता चले क्या रिएक्शन हो रही है। तो ये देखो, यहाँ पे आपको ये पूरे, यहाँ पे आपको ये जो नाइट्रिक एसिड है दिख रहा होगा येलो कलर का, और ये जो हमने कॉपर वाला डाला है, तो ये हो गया है ग्रीन। और अब इसके अंदर हम वापस डालते हैं सिल्वर, और सिल्वर के अंदर देखते हैं सिल्वर के बाद इसमें क्या रिएक्शन होती है। तो ये देखो, अब यहाँ पे मैं आपको सिल्वर का टुकड़ा दिखा रहा हूँ। इस सिल्वर के टुकड़े को डालते हैं हम इस कंटेनर के अंदर, और इसके अंदर डालते हैं हम नाइट्रिक एसिड। इस नाइट्रिक एसिड को इसके अंदर डाल देते हैं, यहाँ पे हमारे को अब क्या रिएक्शन देखने को मिलती है। थोड़ा सा नाइट्रिक एसिड थोड़ा ज़्यादा डाल देते हैं। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, अभी तो येलो कलर का है, लेकिन अब देखते हैं हमारे को क्या कलर देखने को मिलेगा। तो यार गाइस, यहाँ पे दिख रहा होगा बिल्कुल ही अभी तक तो वाइट ही है, और यहाँ पे आपको व्हाइट व्हाइट कलर का यहाँ पे धुआं देखने को मिलेगा, व्हाइट व्हाइट कलर का धुआं निकल रहा है। और अगर चांदी है, तो चांदी में हमेशा व्हाइट कलर का धुआं निकलता है, और यहाँ तांबे के अंदर अगर हम बात करें, तो तांबे में बिल्कुल ग्रीन कलर का धुआं निकलता है। यहाँ पे अभी भी दोस्तों कंटिन्यूसली इसके अंदर ग्रीन कलर का धुआं निकलता जा रहा है, और यहाँ पे मेरे को दिख रहा है कि अंदर यार ये जो तांबा है, ये आपको धीरे धीरे यहाँ पे कटना स्टार्ट हो चुका है। यहाँ पे आपको बारीक बारीक छेद भी दिख रहे होंगे। तो क्या लगता है आपको, ये तांबा बचेगा या नहीं बचेगा, या चांदी का भी क्या होगा हाल? अभी चांदी में भी आपको व्हाइट व्हाइट धुआं स्टार्ट हो चुका है। अब हमारे पास है गोल्ड, अब इस गोल्ड के अंदर ट्राई करेंगे गोल्ड पे क्या होता है। तो ये आप कॉपर वाला तो देख रहे हो, कॉपर तो यहाँ पे देखो कंटिन्यूसली कट चुका है। कॉपर आपको बिल्कुल बारीक से यहाँ पे नीचे की साइड दिख रहा होगा, तो दिख रहा होगा। बाकी मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ, ये पूरा ग्रीन हो गया है, कॉपर बिल्कुल यहाँ पे खत्म होने लग गया है। तो मतलब अगर हम नाइट्रिक एसिड के अंदर कॉपर डालते हैं, तो बिल्कुल खत्म हो जाता है। अब सिल्वर के साथ क्या होता है, सिल्वर का भी टुकड़ा यहाँ पे है। अब इसके अंदर हम गोल्ड का भी देखते हैं, गोल्ड अगर डालते हैं तो क्या होता है। गोल्ड का जो हमारे पास टुकड़ा है, गोल्ड का जो पीस है, इस गोल्ड के पीस को हम उठाते हैं यहाँ पे, और इस ग्लास में डाल देते हैं। ग्लास के अंदर डालते हैं हम ये नाइट्रिक एसिड, और फिर देखते हैं क्या रिएक्शन होती है। तो ये नाइट्रिक एसिड हमने इतना सारा इसमें डाल दिया, और अब देखते हैं, इसको थोड़ा सा हिला के भी देख लेते हैं। अभी तक तो कोई रिएक्ट नहीं किया है गोल्ड, लेकिन अगर हिला के देखते हैं तो क्या होता है, तो भी कोई भी रिएक्शन नहीं दे रहा है। और अगर हम कॉपर की बात करें, तो यहाँ पर कॉपर के अंदर आपको बिल्कुल कॉपर खत्म ही हो चुका है अंदर। तो यहाँ पे आपको कॉपर बिल्कुल यहाँ पे कुछ दिख ही नहीं रहा होगा, सिर्फ ग्रीन ग्रीन हो गया है पूरा। नाइट्रिक एसिड जो था ग्रीन कलर का हो गया। और अगर इसकी बात करें, तो इसके अंदर आपको भी, इसके अंदर भी आपको कुछ नहीं दिख रहा होगा, ये बिल्कुल सिल्वर का सिल्वर था, जो पूरा व्हाइट कलर का एसिड हो चुका है। और अगर गोल्ड की बात करें, तो गोल्ड के अंदर यहाँ पे आपको कुछ भी रिएक्शन नहीं दिख रही है। तो मैं आपको बताया था दोस्तों, गोल्ड के अंदर कभी भी अगर आप एसिड के अंदर डालते हैं, तो गोल्ड के अंदर कोई रिएक्शन नहीं होती है, गोल्ड कभी भी नहीं कटता है, जबकि सिल्वर और जो कॉपर होते हैं वो गल जाते हैं। अगर गोल्ड के अंदर भी कोई रिएक्शन चाहिए, तो गोल्ड के अंदर हमारे डालना पड़ता है नमक, तब जाके यहाँ पे गोल्ड धीरे धीरे कटना स्टार्ट होता है। तो गाइस, आपको एक्सपेरिमेंट कैसा लगा, ये तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता ही देना। और आपको मैं बता देता हूँ, ये जो एक्सपेरिमेंट है, ये मैंने बिल्कुल अपनी सुरक्षा के हिसाब से किया है। आपको इस एक्सपेरिमेंट को घर पे नहीं करना है। अगर आपको एक्सपेरिमेंट पसंद आया, तो इसको लाइक जरूर करना, शेयर जरूर करना, अगर आप चैनल में पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। ओके, बाय।